ऐसी प्रॉब्लम है इज ए सिक फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन के तीन सौ सत्तर टू इयर्स बैक आर दीज कंस ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी देर इज एप्सल्यूट नो लिंक इन बिटवीन द तीन सौ सत्तर और जो इशूज इस वक्त सामने आए हैं दीज इशूजेंट इज नॉट लिसनिंग गवर्नमेंट इज नॉट सींगवर्मेंट इज रिफ्यूजिंग टू हियर गवर्नमेंट इज रिफ्यूजिंग टू सी ऐसा नहीं होना चाहिए अगर लोगों के मन के अंदर कोई इस तरह की बात चल रही है गवर्नमेंट इज सेट टू फील द पल्स ऑफ द पीपल यहाँ यस पीपल फ्रेंडली होनी चाहिए जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बंद की कॉल दी बंद की कॉल दी और उस कॉल में कई सारे बाजार एसोसिएशन ने भी जेसीसीआई का समर्थन किया है अलग अलग क्वार्टर्स में बिजनेसमैन कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए लोगों ने जेसीसीआई का समर्थन किया है लेकिन जो मुद्दा है जिस वजह से बंद की कॉल दी गई है हालांकि मुद्दे कई हैं ऐसा जैसे कि प्रेसिडेंट का कहना है लेकिन हाईलाइट में मुद्दा ये आ रहा है कि जम्मू में रिलायंस के स्टोर्स खुलने वाले हैं उसको लेकर जे ने बंद की कॉल दी है ये किस हद तक सही है और अभी तक इस बंद को लेकर जो चर्चा हो रही है क्या उससे जो छोटे दुकानदार हैं उनका मसला हल होगा या फिर अननेसेसरली पॉलिटिसाइजेशन हो जाने के बाद उस मुद्दे को भी सरकार जो है वो अनदेखा कर देगी इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जे के पूर्व अध्यक्ष वाई शर्मा जी तो वाई शर्मा जी सबसे पहले स्वागत है स्ट्रेट लाइन थैंक यू वेरी मच क्या समझते हैं कि जे के प्रेसिडेंट ने हालांकि हर जगह यही कहा कि मुद्दा एक नहीं है मुद्दा कई हैं लेकिन लोगों में परसेप्शन यही है कि एक ही मुद्दा है कि रिलायंस के स्टोर जम्मू नहीं आने चाहिए आपको लगता है कि ये ट्रिगर तो हो सकता है लेकिन जो बाकी इश्यूज हैं जो कि काफ़ी देर से परसिस्टेंट है चाहे वो बैंकर्ट हॉल्स का मसला हो वाइन ट्रेडर्स का मसला हो इंडस्ट्रियलिस्ट का मसला हो सुनवाई ना होना एक मसला है ये सभी रीजंस है जिसकी वजह से अब बंद की कॉल देना जो है वो ज़रूरी हो गया था ऐसा है कि पिछले कुछ महीनों से हमारे चैम्बर में कुछ बातें डिस्कस की जा रही थी और उसमें यही बताया जा रहा था कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी और स्पेशली चैम्बर के प्रेसिडेंट साहब और ऑफिस बीरर्स वो अपनी बात में अक्सर ये बताया करते थे कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है ये बात पिछले चार पाँच महीने से चल रही है सिंस दरप्शन ऑफ यू इश्यूज़ इन द पब्लिक डोमेन वो जैसा आपने अभी अभी जिक्र किया वाइन ट्रेडर एसोसिएशन का हो और उसके बाद और भी कई मसले उभरे जैसे माइनिंग का इशू उभरा पिछले कई एक दो साल से तो वो इशू पब्लिक ज्वेलर्स का मस, मसला था तो हमारे चैम्बर में जो बातचीत होती थी उसमें एक डिसट्सफेक्शन और ये बताया जाता था कि गवर्नमेंट हमारे जो कंसर्न्स हैं उन पे कोई तवज्जो नहीं दे रही है और जितने भी मेंबर्स वहाँ पे मीटिंग्स में आते थे उन तमाम मेंबर्स का यही विचार था कि हमें गवर्नमेंट के पास अप्रोच करना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट इज़ द ओनली अथॉरिटी विच इज़ टू रिड्रेस अवर ग्रीवेंसेस और हमारे कंसर्न्स वही एड्रेस कर सकते हैं लेकिन उनकी भरपूर कोशिश के बावजूद भी हमें कोई ऐसी बात नहीं बताई गई कि गवर्नमेंट ने उनको टाइम दिया हो या उनकी बातों को सुना हो तो आपका ये कहना दुरुस्त है कि वो तमाम डिसकंटेंटमेंट जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्पेन कर रही थी और ऊपर से कुछ नए मसले बीच में ऐड होते गए और अब ये रिलायंस uh, का जो इशू अभी पिछले दिनों में उभरा इसको मिलाकर और पिछले जो इश्यूज थे व्यापारी कम्युनिटी अपने आप में बड़ा इग्नोर्ड महसूस कर रही थी और व्यापारी कम्युनिटी की समझ से ये बात परे थी कि कारण क्या है हमें क्यों बात बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया जबकि गवर्नर uh, साहब या जो अथॉरिटीज़ हैं दे शुड हैव टेकन व्यू ऑफ इट और सारी चीज़ें न्यूज़पेपर्स में रोज़ बरोज़ आ रही हैं और इन सारी बातों को देखकर गवर्नमेंट जो है वो उसको आ, जो, आ, अपना कंसर्न और अपने आगे आकर बातचीत करनी चाहिए थी तो मैं ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि रिलायंस की जो बात कही जा रही है लोगों के जो अप्रिहेंशनस हैं वो बिल्कुल वेल प्लेस्ड हैं और ये बात तो पिछले पाँच छः साल से चल रही है सेवन एट ईयर्स से ये बात चल रही है जब से एफ वगैरह का आना शुरू हुआ है और प्राइवेट बिजनेसमैन जो समाल रिटेलर्स हैं जो दुकानदार हैं उन्होंने हमेशा इस बात पे अपनी चिंता व्यक्त की है कि अगर इस तरह से अगर अंडर वन रूफ या अगर एक माल में आप जाएं तो आप वो तमाम चीज़ें आपको उसी माल में अवेलेबल हों तो ये जो हमारे दुकानदार हैं ये जो दुक, दुकानें डाल के बैठे हुए हैं इन्होंने भी सवेरे से लेके शाम तक जो कारोबार कर लेकिन मिस्टर शर्मा मोनिका सुपरमार्केट जम्मू में आज से नहीं है काफ़ी सालों से है उसका मतलब ये तो नहीं है कि पक्केंगे में कारोबारियों की दुकानें बंद हो गई हूँ ऐसा है कि बात को बड़े अच्छे परस्पेक्टिव में समझना होगा जो मोनिका मार्केट है ये एक ऐसा समझ लो कि एक बड़ी दुकान है लेकिन जो जिस माल की हम बात कर रहे हैं वो माल इस तरह नहीं है मोनिका मार्केट की तरह है। वो माल ऐसा है एक ह्यूज मॉल्स हैं जहाँ पे कहने वाले ये कह रहे हैं कि आधा आधा किलोमीटर और किलो किलोमीटर के दायरे में वो होंगे और वहाँ पे दुनिया भर की चीजें अवेलेबल होंगी आप खुद ही सोचो कि हमारे पूरे जे एंड के स्टेट की जो पॉपुलेशन है इट्स वन पॉइंट सम करोड़ यू सी डेढ़ करोड़ या सवा करोड़ के आसपास होगी तो हमारा यहाँ पे जितने भी लोग हैं हमारा इट्स एग्रीकल्चर इंटेंसिव स्टेट काफ़ी लोग अपना वो कारोबार करते हैं और छोटे कारोबारी लोगों का इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज़ की कोई बड़ी को कहे पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है वैसा नहीं हुआ है इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट ऑन द वे टू मेक प्रोग्रेस गवर्नमेंट की पूरी उसमें इमदाद है गवर्नमेंट के इंसेंटिवस uh, दिए जा रहे हैं तो so, कहने का मतलब ये है कि आ जाके व्यापारी uh, जो हैं वो हमारी पूरी इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी हैं वो उसकी बैकबोन है और व्यापारी की हर असुविधा की मुतलक़ गवर्नमेंट को जागरूक होना चाहिए कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं अब ये देखो पिछले 20 साल 30 साल से तो मिलिटेंसी से जम्मू कश्मीर के लोग पास कर रहे हैं उससे पहले पंजाब की मिलिटेंसी थी और जम्मू के किश्म, जम्मू कश्मीर के लोग खासकर जम्मू का मैं कहूँगा इट इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ पंजाब और कश्मीर की मिल, मिलिटेंसी का पूरा फॉल आउट जो है और जम्मू के लोगों ने उसको बर्दाश्त किया है जम्मू के लोगों के प्रति हम में इतनी हमदर्दी होनी चाहिए कि अगर उन्होंने सफर किया है कारोबार कारोबार की, की फ्रंट पे तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी बनती है कि ज, लोगों को और तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करके जम्मू के कारोबार को ध्यान में रखा जाए तो जैसा मैंने जो कहा जा रहा है लेकिन इन्हीं रिलास्टो के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें सरकार का क्या रोल है कोई भी प्राइवेट फर्म अगर आज इन्वेस्ट करना चाहती है जम्मू कश्मीर में तो वो कर सकती है और सरकार तो फैसिलिटेट ही करेगी कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसे जम्मू कश्मीर में बढ़ावा मिले अगर इस तरीके की चेंज आती हैं तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और साथ ही में एक कंज्यूमर्स के लिए क्या ये बेहतर नहीं है जो कि आम परसेप्शन है लोगों के माइंड में कि अगर ऐसे स्टोर्स आते हैं तो उन्हें अगर बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइस पर मिलेगा तो पीपल विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम इट आपने जितनी बातें की हैं ये एक, एक सिंगल पर्सन के हिसाब से की हैं जब हम बात कर रहे हैं तो हम एक कम्युनिटी कम्युनिटी के बिहाफ पे बोल रहे हैं और कम्युनिटी के बिहाफ पे हम ऐसी बात कहना चाहेंगे कि इट इज़ नॉट दैट वन कंज्यूमर इज़ बेनिफिटेड बाय ए ह्यूज मॉल आप एक तरफ कह रहे हैं कि उनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी जो एम्प्लॉयमेंट लॉस होगा उसका कौन जिम्मेवार है अगर वहाँ पे आप दिस वेरी सिंपल अर्थमेटिक दैट यू ओपन ए मॉल एंड देर इज ए पॉपुलेशन ऑफ लेट से ट पीपल टेन पीपल आर बींग सर्व बाई लेट ए 100 शॉप्स तो वो हंड्रेड शॉप्स का माल अगर कभी एक ही माल से अवेलेबल हो जाए तो हंड्रेड शॉप्स का क्या बनेगा तो वो माल में जाके आ, आ, सारे लोग अपना माल खरीदेंगे कारोबार जो है कारोबार यूसी इट इज़ डिफरेंट पीपल डूइंग डिफरेंट थिंग्स कोई सर्विस कर रहा है कोई दुकान कर रहा है आप आ, ऐसा करो कि अब देखिए एम्प्लॉयमेंट जो है सरकारी नौकरियों की टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि बैंकों में Uh, कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं निकलती है लोअर uh, लेवल पे क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी आ चुकी है एम्प्लॉयमेंट इज थ्रेटनड ऑन द अदर हैंड बिजनेस कहते हैं कि स्टार्टअप करो जी स्टार्टअप करने का मतलब ये छोटी छोटे कारोबार को इनकरेज करो दूसरी तरफ आप अगर हमने स्टेट्स को सपोर्ट कर वो स्टार्टअप को शुरू करना है तो आप एक रिलायंस को इजाज़त दे दोगे तो सो so स्टार्टअप कैसे शुरू होंगे तो आप कंट्राडिक्ट्री हैं एक तरफ आप स्टार्टअप करना चाहते हो एक तरफ़ आप मॉल खोलना चाहते हो और दूसरी बात आपने कही जी वो लोग आते हैं वो परमिशन लेते हैं खोल देते हैं देखिए स्कूल होता है उसका हेडमास्टर होता है देश होता है उसका प्राइम मिनिस्टर होता है स्टेट होती हैं उसके गवर्नर होते हैं चीफ मिनिस्टर होते हैं हमारी स्टेट के इस वक्त एलजी साहब हैं कोई भी बात होगी हमारी स्टेट में तो उसका ध्यान तो एलजी साहब को तो होना ही चाहिए एक पंखा चलता है पंखे का जो रेगुलेटर है अगर रेगुलेटरी ना हो तो पंखा चलता रहेगा पूरी स्पीड पर यह बात कोई बात जची नहीं कि वो आते हैं खोलते हैं जाते हैं ऐसी थोड़ी होता है हुए हैज़ टू कम

इंडस्ट्रियल तनजीमें हैं जब भी इस तरह की बातचीत करनी हो तो उसके लिए एक बकायदा डायलॉग होना चाहिए हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं हमारे गवर्नमेंट जो एडवाइजर्स हैं दे शुड सिट टुगेदर दे शुड टेल देयर एजेंडा एंड टेल स्पीक टू द बिजनेस कम्युनिटी व्हाट ऑब्जेक्शंस दे हैव इन दैट एजेंडा कम्युनिकेशन गैप ही एक मेन रीज़न है एक्जैक्टली कम्युनिकेशन आजकल की अगर कोई देन है इस वक्त द इंफॉर्मेशन हैज बिकम सो स्पीडी और बातचीत करना तो इट हैज़ बिकम ऐसा कहना चाहिए दिस इज़ वेरी वेरी एसेंशियल दैट वट एवर इन केस यू वॉन्ट टू डू समथिंग यू हैव टू टॉक टू द स्टेक होल्डर्स पर इस स्टेक होल्डर्स कौन हैं इसके वो आइडेंटिफाई करके उनसे बातचीत करिए ये तो बड़ी ही हैरानगी और ताज्जुब की बात है कि कोई आदमी ये कहे मारे हमारे से बात ही नहीं करते ये तो मुझे बात ही नहीं समझ आई पर बात क्यों नहीं करते हैं आप भी अध्यक्ष रहे हैं आपने कभी अपने टेन्योर में ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है कि कोई सरकार है और वो बात ही नहीं करना चाहती यही मैं इसी बात के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा था हमारे वक्त में भी जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती थी एक दिन का डिले हो सकता है दो दिन का डिले हो सकता है अथॉरिटीज बिजी हैं किसी काम में चलो भाई आज नहीं सी दो दिन बाद डिस्कस करेंगे बातचीत करेंगे आपके इश्यूज क्या हैं आप कन्विंस करो ना यू कैन यू सी डिमोलिश समथिंग बाई फोर्स uh, आप uh, बुलडोजर से डिमोलिश कर सकते हो बट यू सी यू कैन कन्विंस वर्ग्यूमेंट यू हैव नॉट टू दिस ह्यूज स्ट्राइक इज बींग ऑब्जर्व आप क्या समझते हो जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो खुश हैं वो स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं कि वो अपनी बातचीत को हुकूमत तक इस ढंग से पहुंचवाना चाहते हैं कि हम इतना सफर कर रहे हैं आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे इसी पर अगर आए तो अब पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है वो इस बंद का सहारा ले रही हैं और कह रहे हैं कि कहीं पे डिसेंटिंग वॉइस हमें नजर आ रही हैं तो हम भी शामिल हो जाते हैं तो डू यू थिंक कि इससे आपका कॉज और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा या कॉज डायल्यूट हो जाएगा देखिए ऐसा है कि हमारी ये जो व्यापार की तनजीमें हैं उन, उनका अपनी एक यूनिटी है उन तमाम तनज़ीमों ने मिलकर ये कहा है कि हम इस बंद को अब्ज़र्व करेंगे अब पब्लिक लाइफ में देर आर अदर पार्टीज देर आर अदर एसोसिएशंस, दे आल वुड लाइक दैट लेट्स बी टुगेदर, दे वांट टू एक्सप्रेस देयर सॉलिडेरिटी तो उस सॉलिडेरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए वो कहते हैं कि हम बंद में पूरा साथ देंगे ताकि पीपल एट लार्ज दे अंडरस्टैंड दैट तंजीम्स ऑफ डिफरेंट वैरायटी, दे आर ऑल एग्रींग ऑन दिस पर्टिकुलर इशूज और गवर्नमेंट मस्ट लिसन टू दिस पीपल तो मैं समझता हूँ कि वो तमाम तनजीमें जो हैं वो इसलिए कर रही हैं कि <coughs> का इस काज में वज़न पढ़ना चाहिए पोलिटिकल पार्टीज़ की अपनी जगह एक उनकी अपनी पहचान है उनकी हमदर्दी एक्सप्रेस करना उनकी सॉलिडेरिटी किसी को बताना ये एक पब्लिक लाइफ का आमने सामने रहना तो एक शहर में ही है लेकिन इस वक्त जो सारा इशू है वो है व्यापारियों के कंसर्न्स हैं और वो जो व्यापारियों के कंसर्न्स हैं व्यापारी अपनी जगह डिस इंचांटेड है डिसलूजनड है उसका डिसम्पावर्ड महसूस कर रहा है और मैं समझता हूँ Okay, since they are the backbone of the economy of the nation, economy of the region, they are the wealth creators of the nation, they are the employment generators of the particular region, they are a sensitive and a very, uh, we have to handle them with care and uh, we have not to feel them dissatisfied. अगर वो इस तरह से सड़कों पे आए हैं वो उनका एक लॉस्ट रिसोर्ट है प्रोटेस्ट का कि उन्होंने इस तरह के प्रोटेस्ट को अख्तियार किया है तो गवर्नमेंट को इस बात को समझते हुए आगे आना चाहिए और जितने भी लीडर्स हैं इन तमाम तंजीमों के उनके साथ एक मेज़ पे बैठ के बातचीत करनी चाहिए और कोई कंसर्नस डिफ़िकल्ट नहीं हैं अगर रिलायंस खोलना अगर लोग चाहते हैं भाई रिलायंस नहीं खुलने चाहिए वी कैन हैव ए आर्ग्यूमेंट अगर गवर्नमेंट हैज हैजेवियर आर्ग्यूमेंट दे शुड कन्विंस एंड व्यापारी कम्युनिटी इज ए सेंसिबल इनफ टू अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ इन दी आर्ग्यूमेंट अगर वो समझेंगे भाई नहीं तो नहीं और अगर आप कई तरह के इश्यूज़ यहाँ पे राइज हुए भाई माइनिंग का इशू रहा उसको लेकर भी कई सारे लोग सवाल जेसीसीआई की फंक्शनिंग के ऊपर भी उठा रहे हैं कि जब वाइन ट्रेडर्स का मसला था वो काफी दिन तक प्रोटेस्ट करते रहे काफी देर से परेशान रहे उनके इतने सालों के थे वो जब हेम्पर हो गए उन्होंने कहा कि हमारा तो रोजगार छिन गया उस समय जेसीसीआई ने बंद की कॉल नहीं दी फिर बीच में जूलर्स का एक इशू बना रहा जूलर्स ये काफी देर तक सड़कों पर रहे अपने इशूज को लेकर और बाकी भी क्योंकि सिंगल सिंगल ट्रेड थे तो जब उनके इशूज बनते रहे तो जेसीसीआई डिड नॉट टेक अ वेरी हार्ड स्टैंड लेकिन आज जब मसला बना है तो आज दे आर स्टैंडिंग विद विदीसीआई तो डू यू थिंक कि हर एक का मसला जब बना था उसे एक वार्निंग साइन ले लेना चाहिए था कि इफ द गवर्नमेंट इज नॉट लिसनिंग टू अस रिगार्डिंग दिस इशू मे बी इन फ्यूचर वी विल हैव अदर मेजर इशूज जब हमें इसी तरीके का जो क्या कहते हैं स्टोन वॉल देखने को मिलेगी गवर्नमेंट की साइड से ऐसा है आपने बातों को इस ढंग से यूसी अपने ढंग से कहा है लेकिन मैं इस ढंग से इन तमाम बातों को लेता हूं कि कई तरह के सिंगल इश्यूज अराइज़ होते हैं सिंगल uh, इशू के प्रति अपनी तवज्जो पूरी दी जाती है जब इश्यूज इकट्ठे होते जाते हैं तो प्रोटेस्ट हैज़ टू बी इन एंड ये जो शक्ल अब इस वक्त एज्यूम uh, की गई है इसको ऐसा लेना चाहिए कि सो मैनी इशूज़ हैव गैदर्ड दैट किसी इशू के ऊपर भी हुकूमत ने गवर्नमेंट ने ए, ए, कोई सॉफ्ट हियरिंग नहीं दी जिसके मतलब कोई डिस्कस करके उसको रिजॉल्व करने का एफर्ट नहीं किया और डिसनचान्टिड है बिजनेस कम्युनिटी डिसल्यूजनड है और वो अपनी बात को सुनाने के लिए इतना ज़बरदस्त स्टेप लेकर अगर हमारी कल को हुकूमत बात सुनती है तो हमें काफ़ी कास्ट देनी पड़ी है इस बात के लिए कि व्यापारी कम्युनिटी को पूरा इतना बड़ा बंद आ, करना पड़ा है और तब जाके हुकूमत बात सुन रही है ये बातें आपस में कहीं पैरिटी नहीं है गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट इज सपोज टू बी द आईज एंड ईयर्स ऑफ द पीपल दैट मींस गवर्नमेंट इज नॉट लिसनिंग गवर्नमेंट इज नॉट सीइंग गवर्नमेंट इज रिफ्यूजिंग टू हियर गवर्नमेंट इज रिफ्यूजिंग टू सी ऐसा नहीं होना चाहिए अगर uh, लोगों के मन के अंदर कोई इस तरह की बात चल रही है गवर्नमेंट इज हैड टू फील द पल्स ऑफ द पीपल यहां यस पीपल फ्रेंडली होनी चाहिए जो uh, 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 बातें आती हैं उनको अक्रॉस द टेबल डिस्कस करना चाहिए तो आई अपी बिजनेसोड दवेंट एवर्नमेंट कम फॉर्वर्ड एंड देव दिज इश्यूज टू दैटिस्फेक्शन ऑफ द बिजन कम्युनिटीफैक्शन ऑफ द रिजन सो दैट गोज्रॉस दैट गवर्नमेंट कम फॉरवर्ड आखिर में शर्मा साहब इस इशू को इस बंद को आर्टिकल 370 सो सत्तर आर्टिकल पैंतीस के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कई जगहों पर कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है कई कॉर्नर्स में इससे अखबारों में भी लेखों में भी इस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये एक बड़ी रिजेंटमेंट जम्मू में शो कर रहे हैं या फिर ये दिखाया जा रहा है कि आर्टिकल तीन के हटने के बाद अब ये कॉन्सिक्वेंसिस फेस करना पड़ रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि ये इशू जो ट्रेडर्स का इशू है इसे तीन के कॉन्टेक्स में डालकर देखना भाई इसके मुझक तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है इस फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन के 370 सौ सत्तर एन इशू विच है टू ईयर्स बैक एन इशू विच वॉज डन बाई द पार्लियामेंट एन इशू इन विच द इंटायर कंट्री हैज़ शोन इट्स expression and the, our entire state has uh, reacted to that issue and that's entirely political and uh, ek issue tha. the 70 years uh, travel kar raha tha. i think uh, these concerns which keep on arising

इस समय आम लोगों के बीच में भी यही परसेप्शन है कि बंद तो होगा लेकिन जो दुकानदार भी बंद कर रहे हैं अपनी दुकानें वो भी कोविड नाइन्टीन के लॉकडाउन से गुजरने के बाद और दो साल ऑलरेडी काफ़ी परेशानियां फेस करने के बाद उनका ये कहना है कि हमें अभी भी अप्रिहेंशन यही है कि हम तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की क्या सरकार हमारी बात सुनने को तैयार है